जी सर, आज आप डीसी साहब से मिले तो नेशनल न्यूज़ नामे को आज आप हमें क्या मसीहों के हवाले से ब्रीफ करें। जी सर, आज मॉर्निंग में जो है डीसी साहब और एसीसीडी साहब और सीयू एजुकेशन जो है वो उन्होंने सटन स्कूल का और बासा के डिस्पोजल का दौरा किया है, और उन्होंने जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे और हमने उनको बताया कि बासा जो है वो उन्होंने लीगली जो है यहाँ पे पानी के गंदे कुएं बनाए हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं और यहाँ पे पोल्यूशन के और बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चों की एजुकेशन अफेक्ट हो रही है। तो हमने डीसी साहब को बताया है कि ये महकमा जो एनवायरमेंट है, इन्होंने इनका कंस्ट्रक्शन का जो है वो एनओसी कैंसिल कर दिया हुआ है और ऑपरेशन का जो है इनके पास एनओसी है नहीं, तो ये लीगली जो है इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि इसके खिलाफ एक्शन लें, ताकि ये जो पानी के गंदे डिस्पोजल यहाँ पे लगाए गए हैं इसको फील फोर यहाँ से रिमूव किया जाए, किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो बीमारियों से बच सके और मुख्तलिफ मसाइल जो यहाँ पे बढ़ रहे हैं, कम्युनिटी जो इससे इफेक्ट हो रही है वो बच सके और अच्छे माहौल में अपनी जो है वो जिंदगी को बसर कर सके। तो मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्कूल, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सीयू एजुकेशन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इसका नोटिस लें और जल्द जल्द जो है इस पे कार्रवाई की जाए, ताकि वासा जो है यहाँ से गंदे पानी के कुओं को किसी और जगह पे शिफ्ट करे, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे एनवायरमेंट में रह के पढ़ सके। और चूंकि ये जो स्कूल जो है यहाँ 1500 बच्चे हैं और न्यू गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम का मिशन ही यही है कि हम बच्चों को जो है वो एजुकेट करें, पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए काम करें और हमारे बच्चे जो है वो हमारा फ्यूचर है, हमारी आने वाली नस्लें जो है वो हमारा फ्यूचर है, हम उनकी लाइफ को बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं यकीनन यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दरीना मसाइल है पिछले 3-4 साल से, उनको जल्द जल्द जो है वो खत्म किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे माहौल में पढ़ सके।